भाजपा के आंदोलन में किराए के मजदूर बुलाकर भीड़ जुटाई गई। इस बात का पता चलते ही कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर हमला तेज हो गया है। 200 रुपए में मजदूर रैली में बुलाकर प्रदर्शन किया गया। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा का जन विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ फर्जी आंदोलन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। आंदोलन स्थल पर किराए के मजदूरों को लाकर भीड़ जुटानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़ बोले नेता सत्ता जाने के बाद भी खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से असंवैधानिक बयानबाजी करके खुद की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे हैं। आज इंदौर की जनता ने भाजपा को जमीनी हकीकत दिखा दी है। मध्य प्रदेश की आम जनता कमलनाथ सरकार के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, वहीं भाजपा प्रलाप करती रह रही है। क्या मिलता है? चौराहे से 200 रुपए रोज में काम करते हैं हम, और यहाँ पे तो ऐसे ही है बस। मान सम्मान जो हो जाए। कब से आए हो? 12 बजे से आए। कितने लोग आए सबके साथ में? हाँ बहुत सारे हैं, आए गिनती नहीं है। हम किस तरीके से 50 साल मजदूर आए सब, मगर यहाँ तो कोई बात ही नहीं। पलसीगर मजदूर चौक एक कोई दरवाजे पे कितने लोग आए हो? 10-12 जन। कहाँ पे देते हो आप? मगर आपको कहाँ देते हो? मरी माता चौरा। तो आपने मरी माता, आप तो 3 नंबर का बोल रहे हो। हाँ तो यहाँ आते ना उनके पास। अच्छा तो होना क्या करते हो? क्या करते हो? मजदूरी मजदूरी करते हो? कितने मिलेंगे? 300-200। अगर 2 लाख आज कितने मिलेंगे? 200 रुपये आज के। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। अपने आंदोलन के लिए उन्हें किराए के मजदूर लाना पड़ रहे हैं। 200-200 रुपए में चौक से बेलदार लाके झंडे उठाए जा रहे हैं। जिस आंदोलन में दावा करते थे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो बीजेपी दावा करती है कि उनके करोड़ों सदस्य हैं, वह 500-700 लोग भी इस आंदोलन में एकत्रित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की आज क्या दुर्दशा हो गई है। किराए के लोग लाके आंदोलन करना पड़ रहे हैं और उनके एक विधायक ये बोल रहे हैं, हमारे मंत्रियों को चेतावनी दे रहे हैं, वो ये अच्छी तरह समझ लें कि कांग्रेस वो है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था आजादी के आंदोलन में। तो किसी भी तरह की ऐसी बात जो सभ्यता से परे ना करें, वरना इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को।